ये हम लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा क्या बताओ। उन्होंने कहा हमने भी कराया है। मैंने कहा बता दो क्या है। उन्होंने कहा देखे हमारे पास सड़क बनाने की फुर्सत नहीं थी, हमारे पास मेट्रो के लिए फुर्सत नहीं थी, हमारे पास सीसामऊ नाला को चौक करके एसटीपी बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास जो पैसा था हमने उसका उपयोग किया। मैंने कहा क्या उपयोग किया, आप सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के पैसे का उपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करके लगाया। अब आप सोच सकते हैं, उनके सपे में महोत्सव होते थे तो महोत्सव के नाम पर केवल एक महोत्सव था, वो था सिपाही महोत्सव। एक महोत्सव था और वह था सिपाही महोत्सव। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय दीपोत्सव अयोध्या का, दीपावली के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या से जुड़ती है। होली आने वाली है और होली के अवसर पर मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली को वैश्विक मंच पर स्थापित किया रंगोत्सव के माध्यम से डबल इंजन की सरकार ने। काशी की देव दीपावली आज वैश्विक मंच पर छा रही है और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ भी प्रयागराज में छा, प्रयागराज के माध्यम से छा जाता है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर नगर और मोहल्ले में अवैध असलों की बाढ़ आ गई थी। जगह जगह उनके गुर्गे तमंचा बना करके व्यापारियों से राज नहीं करते थे, बमबाजी करते थे, कर्फ्यू लगता था। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो शानदार कावड़ यात्रा निकल रही है। आज बमबाजी नहीं, आज तो हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री निकलता है और शिव के भजन गाते हुए पूरे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए आगे कार्य करता है। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में तमंचा की फैक्ट्री नहीं, आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होता है। डिफेंस कॉरिडोर, ये फर्क आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कानपुर में बनी हुई तोप, आज जब कानपुर का नौजवान उस तोप को लेकर के भारत की सीमा पर खड़ा होगा और दुश्मन देश को ललकारेगा, तो भाइयों बहनों, वह दृश्य पूरी देश के लिए देखने लायक होगा। रक्षा क्षेत्र में कभी भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, आज भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये है नया भारत। और उस नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए पुनः समर्थन मांगने के लिए आज मैं किदवई नगर और छावनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में आपने देखा होगा कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पस्त है। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। कोरोना महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन कोरोना प्रबंधन होता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोविड प्रबंधन ने दुनिया के अंदर सराहना प्राप्त की। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। आप में सब लोगों ने वैक्सीन ले ली होगी ना? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? थोड़ा पीछे तक तो बता दें, और भी लोगों ने, सबने ले ली? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि